वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमन दीपक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चिल्ड्रेन अस्पताल में खेलता हुआ बच्चा, इसका माता पिता कौन है ये नहीं पता, बच्चा किस शहर का है ये भी नहीं पता। अगर किसी को बच्चे के बारे में जानकारी हो तो वो इलाहाबाद के कीटगंज थाने से संपर्क कर सकता है। आपकी एक कोशिश बच्चे के असली माँ बाप तक पहुँचा सकती है बच्चे को। इस बच्चे को कुछ लोग 50,000 रुपये में एक दंपत्ति को बेचने के लिए कीटगंज के कोरा कब्रस्तान आए थे। तब भी बच्चा रोने लगा। पिकेट को पुलिस को शक हुआ तो पूछताछ हुई, तो जिसमें बच्चा चोरी का राज खुल गया। पुलिस ने बच्चा बेचने वाले को आरोप में 2 महिला और 2 पुरुष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल कीटगंज का एक दुकानदार सुनील कुमार और उसकी पत्नी मंजू और सर्कुलर रोड की शोभा देवी और आजमगढ़ की शशिकला इस वारदात में शामिल थे। सुशील और मंजू की कोई औलाद नहीं थी। एक शादी में इन लोग की मुलाकात शोभा से हुई और उसने बच्चे देने की बात कही। शोभा ने आजमगढ़ की शशिकला से संपर्क करके 50,000 बच्चा बेचने की बात तय की। गोरा कब्रिस्तान के पास सब इकट्ठा हुए लेकिन बच्चे के रोने के कारण पुलिस को शक हुआ तो सभी लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए। हालांकि बच्चा किसका और कहां से आया इसकी अभी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, जिसकी वजह से ये बच्चा चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में रखा गया। एक दंपत्ति सुनील कुमार सोनी और उनकी पत्नी मंजू सोनी, जिनके 25 साल से कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने एक शादी समारोह में एक शोभा नाम की महिला से बच्चे की बात की बच्चा लेने के लिए, और उस महिला ने कहा कि वो बच्चा दिला देगी। और शशिकला नाम की एक औरत जो आजमगढ़ की है, उसने बच्चा प्रोवाइड करने के लिए कहा। वो बच्चा लेकर आई यहाँ पर। मुखबिर की सूचना पर पुलिस वहाँ पहुँची तो उस बच्चे को ख़रीदा जा रहा था लगभग 50,000 रुपये में इस दंपति द्वारा। तब पुलिस उन्हें पकड़ के ले आई। बच्चा किसका है, कहाँ का, ये पता चल पाया? बच्चे के माँ बाप का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हम जल्द से जल्द पता लगा सके। तो ये लोग हैं, गिरोह है और भी लोगों की है या सिर्फ यही है, इसकी जाँच पड़ताल? इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये गिरोह है या फिर उन्हें बच्चा मिला था, क्योंकि महिला जिसने बच्चा बेचा है वो अपने बयान बदल रही है। इस वजह से हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। अभी कितने में बेचने की जानकारी मिली है बच्चे? 50,000 में इस दंपति ने खरीदा बच्चा। राम मंदिर के चंदे में हुए घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी प्रयागराज के कार्यकर्ताओं ने हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी से प्रार्थना किया। भगवान राम के मंदिर में चंदे घोटाले करने वालों को जल्द से जल्द पर्दाफाश हो सके। प्रयागराज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने कहा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। जिला अध्यक्ष ने आगे कहा कि कुछ आरक्षक लोग द्वारा सांसद संजय सिंह के घर पर हमला किया गया है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और भ्रष्टाचारियों को बताना चाहता हूँ कि इनकी गीदड़ भक्की से हम डरने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सत्ता में आए थे, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म होने की बजाय इतनी चरम सीमा पर चला गया है कि आज भ्रष्टाचारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि भगवान राम के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। आज आम आदमी पार्टी प्रयागराज के सभी कार्यकर्ता संकट मोचक भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी के घर पर कुछ लोगों ने हमला किया, उनके घर पर काली पोता, उनके घर में घुसने की कोशिश किया, ये बहुत ही निंदनीय है। आखिर उनका कसूर क्या है? यही है कि उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ लोगों को उजागर करने की कोशिश किया, जिस तरह से लगभग 16.5 करोड़ रुपए का घपला किया गया, उसको उजागर किया और सबूत के साथ उजागर किया, तो ये कुछ लोग बौखला गए हैं कि ये क्या हो रहा है। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि ये जो घटना हुई है इसकी जांच होनी चाहिए और राम मंदिर ट्रस्ट में जो घपला हो रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये 114 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था की बात है और 130 करोड़ देश की जनता की आस्था की बात है, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट में हर धर्म के लोगों ने चंदा दिया है और भव्य मंदिर ताकि वहां पर निर्माण किया जा सके। जानकारी मिली है कि वो ज़मीन उस मंदिर परिसर से सटी हुई भी नहीं है बल्कि 3 किलोमीटर दूर है, तब इतनी महंगी ज़मीन क्यों खरीदी गई और 100
16 करोड़ रुपए का घपला क्यों किया गया, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। संगम नगरी प्रयागराज के कीटगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मस्जिद के बाहर ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से आग ने विकराल रूप ले लिया और पास में ही खड़ी फीगो कार में भी आग पकड़ लिया है और अभी तक धू धू करके कार भी जलने लग गई है और ट्रांसफार्मर में पूरे आग लगी है और केबलें भी जल रही हैं। सबसे बड़ी बात कि फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है मगर अभी तक मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है। और सबसे बड़ी बात कि थाने से चंद कदम की दूरी पर मस्जिद के बाहर ये लगा ट्रांसफार्मर है। मामला कीटगंज थाने का है जहां पर ये आग लगी है। आप देख सकते हैं आग किस तरह से विकराल रूप ले चुकी है और किस तरह से धू धू करके ट्रांसफार्मर जल रहा है और बगल में कार भी है। अब डर दो लोग दूर से खड़े होके सिर्फ नज़ारा देख रहे हैं और लोगों में एक डर का माहौल है और क्षेत्र की लाइट भी बंद हो गई है जिससे कि पूरे में अंधेरा हो गया। DIG SSP प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी व SP सिटी दिनेश कुमार सिंह व SP क्राइम आशुतोष मिश्रा व CO पर सत्येन तिवारी के निर्देश में वांछित अपराधियों व बदमाशों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को थाना प्रभारी करैली ब्रजेश सिंह ने अपने साथियों संग गश्त पर निकले थे। इतने में करैली इलाके में वांछित अभियुक्त आमिर पुत्र फिरोज निवासी हटवा थाना दुमनगंज दिख गया। पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा करके उत अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। पुलिस ने मुकदमा अपराध आम एक्ट के तहत दर्ज कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। संगम नगरी प्रयागराज के करैली थाना क्षेत्र में जहां कोविड गाइडलाइन की जम्स के धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बता दें कि ये मामला है करैली के मस्तान मार्केट के करीब पप्पू कपड़े वाले की गली में। हर एक का जनरल मर्चेंट की दुकान के बाहर कुछ लोग आकर डेली जाम भीड़ लगाते हैं और गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, साथ में जहाँ पर यहाँ के क्षेत्रवासी काफ़ी इस चीज़ से परेशान हैं और CCTV अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बता दें जहां पर खुलेआम सड़क पर धूम्रपान किया जा रहा है और कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही, यहां पर इन लोगों को ना ही कोरोना का डर है ना ही पुलिस का। सबसे बड़ी बात कि ये सबसे व्यस्त इलाका है फिर भी यहां पर रात 12 बजे तक लोगों की अड्डेबाजी होती है और यहां पर इन लोग को कोई रोकने वाला नहीं है, मानो जैसे इनको पुलिस का खौफ ही नहीं। 7 बजे जहां तक कोविड गाइडलाइन का नियम है कि दुकानें बंद होनी है और कोरोना कर्फ्यू का लोगों को पालन करना, मगर ये इनको अपने ठेंगे पे रखते दिखाई दे रहे हैं और इनके नज़र में कोविड गाइडलाइन का कोई वैल्यू ही नहीं है ना ही इनको कोरोना का खौफ है। जहां आप देख सकते हैं खुलेआम किस तरह से सड़क पर ये डेली भीड़ जमावड़ा लगाए रहते हैं जिससे कि स्थानीय लोग काफ़ी परेशान। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज शाहगंज थाना अंतर्गत रेलवे जंक्शन के समीप देर रात होटलें खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से यहाँ होटलें खुली हुई हैं, जबकि कोविड गाइडलाइन में शाम 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान है और कोई भी दुकानें या रेस्टोरेंट या होटल नहीं खुल सकते हैं, सिर्फ पार्किंग दी जा सकती है। मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे रेस्टोरेंट खुलेआम खुले हुए हैं, ना ही यहाँ पर किसी को कोरोना का खौफ है और ना ही किसी तरह की पुलिस भी यहाँ मूक दर्शक बनी है। यहाँ शाहगंज पुलिस ना ही किसी को रोक रही है ना टोक रही है। देख सकते हैं आप वीडियो में किस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और यहाँ पर रेस्टोरेंट खुले हुए हैं और ना ही कोई नियम का पालन हो रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।